भारत की नई एसयूवी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन कंपनी अब अपनी दूसरी कार के रूप में यहां एक सब 4 मीटर एसयूवी उतारेगी। अब कंपनी से जुड़े सूत्रों से पता चलता है कि सिट्रोन की भारत में नई कार अब एक हैचबैक कार होने वाली है। अनुमान तो पहले से ही लगाए जा रहे हैं कि कंपनी भारतीय बाजार में पकड़ मजबूत करने के लिए एसयूवी के बाद हैचबैक कार भी उतारेगी। कंपनी का ये कदम कम बजट में गाड़ी चाहने वाले ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो सकता है। सिट्रोन की नई हैचबैक कार को CQAB प्लेटफॉर्म पर तैयार करा जाएगा। ये प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल होने के साथ साथ एक प्रीमियम लग्जरी डिजाइन देने में भी मदद करता है। इस अपकमिंग कार के अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का प्राइस तकरीबन 3 से 6 लाख रुपए के प्राइस के अंदर ही रहेगा, क्योंकि एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में आने वाली है और इसका प्रोडक्शन भी मेड इन इंडिया होने वाला है, इसलिए गाड़ी की कीमत को कम से कम रखे जाने में मदद मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इस अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी के शानदार जबरदस्त डिज़ाइन के बारे में, तो इसका डिज़ाइन एक शानदार क्रॉसओवर कॉम्पैक्ट एसयूवी के जैसे बनाया गया है। गाड़ी का फ्रंट आपको शानदार मस्कुलर एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा जो कि सिट्रोन की सिग्नेचर ग्रिल के साथ आएगा। साथ ही इसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स और नीचे की तरफ क्रोम में फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। वहीं बैक साइड में आपको एल आकार के फुल्ली LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे जो कि शानदार जबरदस्त एग्रेसिव बम्पर के साथ आने वाले हैं। उसके साथ ही गाड़ी में अब आपको 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे और सनरूफ पे एक बढ़िया बेहतरीन डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। गाड़ी का डिज़ाइन बताया जा रहा है काफ़ी लग्जरी और आकर्षक बनाया गया है, जो कि भारतीय ग्राहकों को लुभाने में मदद करेगा। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गाड़ी के इंटीरियर में आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा और 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ क्लाइमेट कंट्रोल को सपोर्ट कर पाने में सक्षम होगा। साथ ही गाड़ी में आपको 5 से 6 सीटर सिटिंग कैपेसिटी के साथ साथ फुल्ली लेदर इंटीरियर, डुअल टोन डैशबोर्ड और एम्बिएंट लाइटिंग के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल के साथ साथ लग्जूरियस भी बताया जा रहा है, जो कि इतनी कम प्राइस में मिल पाना दोस्तों असंभव बताया जाता है। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो कंपनी इसमें अपकमिंग सब 4 मीटर एसयूवी कार वाला ही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है, जो इस इंजन के साथ इसमें आपको मैनुअल और AMT गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है। बताया जा रहा है इस हैचबैक कार का माइलेज तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माना जाएगा। भारत में एक कंपनी की एक शानदार मस्कुलर और प्रीमियम हैचबैक कार हो सकती है, जिसे 2021 के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। और लॉन्च होता है ये कार आने वाली Hyundai की नई वेन्यू को और टाटा की नई आने वाली HBX को टक्कर देती हुई नजर आएगी। और इसकी कीमत की बात करें तो कंपनी से 3 से 6 लाख रुपए के एक्स शोरूम वेरिएंट पर ही लॉन्च करेगी। तो दोस्तों अपनी राय अपनी जगह का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएगा अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 800 लाइक का, जल्दी से 800 लाइक के टारगेट को पूरा करवा दीजिए दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।